सलमान खान ने आखिर ये पता कर ही लिया कि जैस्मिन भसीन उनकी फेवरेट क्यों है। आइए बताते हैं आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 का अब तीसरा वीकेंड का वार हुआ और इसमें सलमान खान फिर से हो गए हैं जैस्मिन पर फिदा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने इस बार ये आखिर बता ही दिया कि जैस्मिन उनकी फेवरेट क्यों है। वो कहते हैं जैस्मिन से मजे लेते हुए कि अब मुझे पता चला है कि आखिर तुम मेरी फेवरेट क्यों हो। तो उस पर जैस्मिन पूछती है ब्लश करते करते कि क्यों सलमान सर। तो उस पर सलमान खान कहते हैं कि आखिर तुम टीवी की कैटरीना कैफ हो, इसलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। जी दोस्तों, हमें सभी को पता है कि भाई जान को कैटरीना कैफ के बारे में कितना प्यार है और सॉफ्ट कॉर्नर है। और इसी के साथ साथ अब जैस्मिन उनको कहती है कि थैंक यू, एटलीस्ट मैं आपको पसंद तो हूँ। क्योंकि हाल ही में मैंने आपको ये खबर लाई थी कि जैस्मिन को ऐसा लगता है कि वो इतने डिज़ायरेबल नहीं है, रादर मैन उनको इतने डिज़ायरेबल नहीं फाइंड करते। पर आई होप जैस्मिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप डिज़ायरेबल तो है ही, बट आपका कंपैरिजन किया जा रहा है द हॉट सिजलिंग कैटरीना कैफ से। तो क्या कहना है आपका इस पर, और क्या आपको भी लगता है कि जैस्मिन वाकई है टीवी की कैटरीना कैफ? क्या कुछ है आपकी राय, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। नौरा फतेही बेहतरीन नाचती तो है ही, पर वो बहुत अच्छे तरीके से सभी को नचाती भी है, और ये हमें देखने मिला बिग बॉस के हाउस में। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि नौरा फतेही और गुरु रंधावा आए थे अपना सॉन्ग नाच मेरी रानी के प्रमोशंस के लिए बिग बॉस सीजन 14 के हाउस में। और इसी के साथ चलते मैं ये बता दूं आपको कि नौरा फतेही ने सभी को नचाना शुरू कर दिया। जी दोस्तों, उनका जो एकदम चार्टर बस्टर है हमारा गर्मी सॉन्ग, उस पर उन्होंने सभी लड़कों को बोला तुम अब लेट जाओ और कर दो गर्मी का हुक स्टेप। जी दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है गर्मी का जो हुक स्टेप है वो नौरा ने इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि क्या ही कहे। और इस पर राहुल वैद्य, निशांत मालकानी और सभी करने लगते हैं डांस, क्योंकि आखिर नौरा फतेही को ना कौन ही कह सकता है। पर इस पर सलमान खान ने कर दिया कमेंट। सलमान खान नौरा से कहते हैं कि नौरा लड़कों से जमीन पर लेट लिटवा के क्या ही कर रही हो। तो इस पर सभी हो जाते हैं लोटपोट, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई जान जब कुछ कहते हैं ना तो एकदम अपने अलग ही अंदाज में कह देते हैं। और इसके बाद अब ये देखने मिल रहा है कि गुरु रंधावा और नौरा फतेही जो है वो सभी के साथ डांस भी कर रहे हैं और सभी को नचा भी रहे हैं। तो एक लाइट सा मोमेंट बन गया है बिग बॉस के हाउस के अंदर। पर अब क्या ही होगा, क्या कंटेस्टेंट्स नौरा को जाने देंगे या फिर वो कैसे ही करेंगे नौरा को और भी ज़्यादा एंटरटेन? देखेंगे ज़रूर इन द कमेंट्स बिलो, हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। वैसे तो बॉलीवुड में रूमर्स अक्सर सच ही होते हैं, पर इस बार का जो रूमर जो सच हो गया है वो हम सभी को बहुत ज़्यादा खुशी दे गया है, और वो है नेहा कक्कर की शादी। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेहा यानी हमारी नेहा कक्कर, क्यूट सी नेहा कक्कर कर रही है शादी रोहनप्रीत सिंह से। जी दोस्तों, पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह ने एक सॉन्ग शेयर किया था जहां पर नेहा कक्कर का ही सॉन्ग था, वो दोनों एकदम स्वीट रील में हमें दिखे थे। उसके बाद से ये रूमर्स चालू हो गए थे कि आखिर नेहा कक्कर कब करेंगी शादी, और 24th ये डेट आगे आ रही थी। पर मैं आपको बता दूं कि कल ही नेहा कक्कर ने हल्दी सेरेमनी के फ़ोटो शेयर किए, मेहंदी के पहले उन्होंने फ़ोटो शेयर किए थे, उनके दोनों हाथों पर रच रही थी मेहंदी, और फिर उन्होंने शेयर किए हल्दी के फ़ोटो जिसमें नेहा लग रही है बहुत प्रिटी येलो कलर के साड़ी में, और उन्होंने पहना है ब्यूटीफुल सा येलो आउटफिट, और उसी के साथ साथ रोहनप्रीत जो है वो उनको कोऑर्डिनेट करते हुए येलो कलर के कुर्ती में दिख रहे हैं, और उन्होंने पहनी है ब्यूटीफुल सी पगड़ी। इन दोनों के जो पिक्चर्स हैं वो इतने क्यूट है ना दोस्तों कि आपके मुँह से ओ तो निकल ही जाएगा। तो क्या कुछ है आपकी राय, इनकी फ़ोटोज़ देखिए ज़रूर और कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, और क्या आप भी नेहू दा व्याह के लिए एक्साइटेड है? बताइए हमें नेहू प्रीत की जोड़ी आपको कैसी लग रही है। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।
सलमान खान की मूवी राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ शायद क्लैश होंगी मूवी सत्यमेव जयते 2। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं उशुल का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सत्यमेव जयते 2 जिसमें हमें नई लीड पेयर देखने मिलेंगी, जॉन अब्राहम के साथ हमें देखने मिलेंगी दिव्या खोसला कुमार, और ये जो लीड पेयर है वो अब दर्शकों के दिलों में कैसे इराज करेगी वो पता नहीं। पर मैं आपको ये बता दूं कि सत्यमेव जयते 2 के जो मेकर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ईद 2021 पर वो रिलीज करना चाहेंगे सत्यमेव जयते 2 को। अगर आपको याद होगा तो सत्यमेव जयते ये जो फिल्म आई थी वो रिपब्लिक वीकेंड पे आई थी, और इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कि फिल्म को वो रिलीज करना चाहेंगे ईद पर। पर मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान की मूवी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई भी ईद पे ही आने वाली है और उसकी डेट भी आउट हो गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि सलमान खान की जो ईदी होती है वो लेने के लिए सभी जाते हैं, और ये पहली बार होगा बहुत यू नो ऑलमोस्ट आफ्टर अ डेकेड कि सलमान खान की मूवी के सामने कोई और मूवी रिलीज करेगा। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि सलमान खान की जब मूवी आती है तो भाईजान की मूवी देखने के लिए फैंस इतने उत्सुक होते हैं कि उसके सामने वाली फिल्म को उतना नवाजा नहीं जाता। इसलिए अभी तक अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट एक डेकेड हो गया, 10 साल के बाद ऐसा दिखने मिलेगा कि सलमान खान के मूवी के साथ साथ सामने कोई और मूवी रिलीज होने वाली है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि लक्ष्मी बॉम्ब के जो मेकर्स हैं वो डिसाइड कर रहे थे ईद का रिलीज, बट अब लक्ष्मी बॉम्ब तो वैसे भी डायरेक्टली हमें देखने मिलेंगी OTT पे। बट ये बता दूं मैं आपको कि सलमान खान के ऑपोजिट क्या ये फिल्म सत्यमेव जयते 2 टिक पाएगी? क्या लगता है आपको? जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। रुबीना दिलेक ने मोल ली है सलमान खान से बगावत। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं उशुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि रुबीना दिलेक जो है वो अक्सर किसी ना किसी से बगावत मोल ही लेती है। पहले तो उन्होंने तूफानी सीनियर से बगावत मोल ली, फिर कंटेस्टेंट से बगावत मोल ली, फिर अपने पति से बगावत मोल ली, और अब बिग बॉस से बगावत मोलने के बाद उन्होंने बगावत मोल ली है हमारे भाईजान सलमान खान से। और दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं सलमान खान सुन के लेते हैं, पर एक बार जब वो अपना वार कर देते हैं फिर सब हो जाते हैं चुप। जी दोस्तों, इसी बार अब मैं आपको बता दूं कि रुबीना को पुल अप कर लिया सलमान खान ने, क्योंकि उन्होंने एक टास्क नहीं किया था बराबर से। वो कहती थी कि मैं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी बिग बॉस। ऐसे कहने के बाद वो तो नहीं बचने वाली थी, सलमान खान ने उनकी ले ली क्लास। जी दोस्तों, सलमान खान ने उनको कहा कि आखिर आप ऐसे क्यों ही कर रहे हैं, क्या अब सभी टास्क हम आपसे पूछ करके देने लग जाए? तो उस पर जब क्लास लगने लगी रुबीना दिलेक की, तो रुबीना दिलेक उल्टा जवाब देते हुए नजर आई सलमान खान को, और वो कहती है कि हाथ ऊपर करके आप अगर मेरी क्लास लेंगे या मुझे ऐसे सब बोलेंगे क्योंकि मैंने अपना स्टैंड लिया। तो इस पर सलमान खान ने उनकी बात को काटते हुए सीधा कह दिया, मैं यहाँ पे कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे इस तरीके से बात ना करें, मैं आपसे बहुत ही अदब से बात कर रहा हूँ और अदब से पेश भी आ रहा हूँ मैडम जी। ऐसे कहा हमारे सलमान खान, तो वो बहुत ही सार्कास्टिकली और एक टॉन्टिंग वे में सलमान खान ने कर दिया रुबीना दिलेक को चुप। तो क्या कुछ है आपकी राय इस पर? क्या ये रुबीना का जो एक क्या कह सकते हैं एटीट्यूड जो है जहाँ पर वो किसी की बात नहीं सुनती है, एक एडमेंट नेचर जो है उनका, क्या अब वो उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ है आपकी राय इस पर? जरूर बताइए हमें। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। बैंगलोर के फैंस को दी है सलमान खान ने एक बड़ी सी सरप्राइज। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो सलमान खान है वो आजकल फिटनेस, कोविड की जो भी कैंपेन्स है उन सब में शामिल हो रहे हैं, और उनमें से एक चीज़ सामने आ रही है कि जैसे हम सभी जानते हैं हमारे भाईजान जो है वो फिटनेस में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो इस बार भी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि बैंगलोर में उन्होंने लॉन्च कर दिया है SK27 जिम को। जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि SK27 यानी 27 जो डेट है वो सलमान खान की बर्थ डेट है, और SK यानी सलमान खान। तो SK27 के नाम
से जिम लॉन्च हो गया है बेंगलुरु में और सलमान खान ने ये अपने ट्वीट के माध्यम से दर्शा दिया है। तो ये एक सरप्राइज दे दिया है सलमान खान ने बेंगलुरु के फैंस को। तो बेंगलुरु में अगर आप हैं तो क्या आप इस जिम को विजिट करेंगे, और अगर नहीं भी है तो सलमान खान का ये जो फिटनेस मोटिवेशन है वो आपको कैसे लगता है ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। अक्षय कुमार ने कहा थ्री इज नॉट अ क्राउड। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो अक्षय कुमार है उनकी जो अभी हाल फिलहाल में आने वाली फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब, उसको लेकर वो चर्चा में है। पर उसी के साथ चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो फिल्म है उसके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही है। अब हाल फिलहाल में अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी आए थे एक स्पेशल गेस्ट के साथ कपिल शर्मा शो में। जी दोस्तों, कपिल शर्मा शो में दिखेंगी हमें लक्ष्मी नारायण, जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए जानी जाती है। उन्होंने वो सबसे फर्स्ट महिला थी हमारे इंडिया की जिन्होंने ये राइट्स के लिए अपील किया था कोर्ट्स में। अब मैं जा करके आपको ये भी बता दूं तो इस पर हमारे जो अक्षय कुमार है उन्होंने उनके साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर ये लिखा, थ्री इज नॉट अ क्राउड, मीट द रियल लक्ष्मी ऑफ लक्ष्मी बॉम्ब, और उन्होंने टैग किया है लक्ष्मी नारायण को। तो अब क्या ही होगा इस एपिसोड में, क्या लक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी नारायण है वो लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में बताएंगी लोगों को कि वो कितना ही सही है, गलत है, क्या लगता है उनको, बिकॉज वो खुद एक ट्रांसजेंडर है और उनको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है। तो आप कितने उत्सुक हैं ये जानने के लिए हमें ज़रूर बताइए, और आपकी क्या ही राय है लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में ये हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। द कपिल शर्मा शो पर नोरा फतेही ने दिखाया कपिल शर्मा को बीवी का डर। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोरा फतेही और गुरु रंधावा का जो गाना आउट होने वाला है नाच मेरी रानी, उसके प्रमोशन के लिए ये दोनों पहुंच गए कपिल शर्मा शो पर, और वहां पे जैसे हम सभी जानते हैं कपिल ने गाने गाने शुरू कर दिए, और वैसे ही एक गाना गाते हुए नोरा फतेही ने उनको प्रेस किया और वो कहती है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। उस पर कपिल शर्मा हमेशा की तरह, उनके पास तो रिप्लाइज होते ही है, और वो कहते हैं कि मैं आदमी भी बड़ा अच्छा ही हूँ। तो इस पर नोरा फतेही कहती है पर शादीशुदा हो। तो हमारे कपिल शर्मा भी कुछ पीछे नहीं हटते, आफ्टर ऑल शी इज नोरा फतेही बाबा। तो वो कहते हैं कि बीवी से कंफर्म करके बता दूं तो चलेगा आपको। तो उस पर सभी हो जाते हैं लोटपोट। तो क्या कुछ है आपकी राय इस पर, क्या ये नोरा फतेही की जो बात है, जो डर दिखाया है कपिल शर्मा को उन्होंने, कपिल शर्मा ने तो उसको डॉज कर दिया, पर आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सलमान खान ने लगाई रुबीना दिलेक को फटकार। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो रुबीना दिलेक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही है इन बिग बॉस सीजन 14। वो किसी ना किसी से पंगे लेती ही रहती है। पहले उन्होंने पंगे लिए थे सीनियर्स से, उसके बाद अपने खुद के पति से भी पंगा ले लिया था उन्होंने, फिर कंटेस्टेंट से पंगा ले लिया, यहाँ तक कि उन्होंने बिग बॉस से भी पंगे ले लिए। पर इस बार लास्ट टाइम के तरह सलमान खान उनको संभालते हुए सहलाते हुए नहीं नजर आए, इस बार सलमान खान ने उनको लगाई फटकार। जी दोस्तों, सलमान खान कहते हैं कि आप आखिर ऐसे क्यों करती है रुबीना, क्या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं समझती है, क्योंकि सलमान खान का ये मानना है कि रुबीना दिलेक भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है बिग बॉस सीजन 14 में, पर आखिर वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी नाराज क्यों ही हो जाती है। इस बार रुबीना ने ये कर दिया कि जब रुबीना और निक्की में से घर का कचरा कौन है ये जब सवाल किया गया, तब रुबीना ने मना कर दिया टास्क करने से बिग बॉस का, और बिग बॉस का आदेश को मना करना मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। पर सलमान खान ने इस बार रुबीना की किसी भी बात को नहीं माना, उनको लगाई अच्छी खासी फटकार, और अब देखना है कि रुबीना इस फटकार को लेकर कैसे ही रिएक्ट होती है। रुबीना हमेशा की तरह तूतू मैं तो किया ही उन्होंने, सलमान खान से भी उनको जस्टिफाई कर रही थी, पर सलमान खान ने एक नहीं सुनी उनकी। तो क्या अब से रुबीना हमें देखेंगी बिग बॉस के सारे टास्क करते हुए और एक
अच्छी सिंसियर सदस्य बनते हुए घर की क्या लगता है आपको, हमें जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। शहनाज गिल ने फाइनली क्लियर कर दिया है कि वो कहाँ और कौन से शो में दिखने वाली है कलर्स टीवी पर। आइए जानते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि शहनाज गिल ने जब से अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी जहाँ पर उन्होंने वखरा स्वैग दी, इस गाने के कुछ लिरिक्स लिखे थे और टैग किया था कलर्स टीवी को, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी एक ब्लैक कलर के जैकेट में और यू नो ब्लैक कलर का एक आउटफिट था उनका। तो अब जा कर के उन्होंने उसको क्लियर किया है, उन्होंने शेयर किया है एक क्लिप जिसमें वो दिख रही है रविवार, मतलब दशहरा जो है अब आने वाले रविवार को, उस एक स्पेशल शो होने वाला है उसमें वो दिखने वाली है। उस शो का नाम है शानदार रविवार, इसलिए उन्होंने वो सॉन्ग डाला था जिस पर वो परफॉर्म भी करते हुए नज़र आ रही है उस प्रोमो में। और उसमें हमें दिखेंगी हमारी फेवरेट भारती जो करेंगी सबको हंसाएंगी सबको एंटरटेन, तो वो करती ही है। तो इन सब के बीच में एक इंटरेक्शन भी दिख रहा है उस प्रोमो में। तो आप कितने उत्सुक हैं शहनाज की इस चुलबुली मस्ती को देखने के लिए, हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। रिया चक्रवर्ती दर्ज करेंगी FIR अंकिता लोखंडे के खिलाफ। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो रिया चक्रवर्ती है उनकी हो गई है रिहाई, जैसे हमने बताया था आपको हाल फिलहाल में ही। और अब उनके जो लॉयर है उन्होंने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट भी जारी किया था कि जो लोग थोड़े से लाइमलाइट के लिए आगे आकर के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी इल्ज़ाम लगा रहे थे या फिर जो रूमर्स फैला रहे थे, उस पर अभी रिया चक्रवर्ती करेंगी हर एक इंसान के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी, वो ऐसे कहा था उनके लॉयर ने। तो अब रिपोर्ट्स ये आ रही है, ई टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि रिया चक्रवर्ती अब जा करके करेंगी FIR दर्ज और मानहानि का केस करने वाली है वो अंकिता लोखंडे के खिलाफ। जी दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो रिया चक्रवर्ती है उनके खिलाफ अंकिता लोखंडे ने कई सारे जो इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें बहुत कुछ कहा था कि आखिर वो सुशांत सिंह राजपूत को क्यों छोड़ के चली गई, उन्होंने उनको ड्रग्स कैसे सेवन करने दिया, ये सारी बातें अंकिता लोखंडे ने कही थी। तो क्या वाकई इस वजह से रिया चक्रवर्ती अंकिता लोखंडे के खिलाफ करेंगी मानहानि का केस? अब तक रिया चक्रवर्ती के तरफ से कोई बयान नहीं आया है, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं हुई है, पर हम सभी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती हमें हमेशा सरप्राइज़ करती है। जैसे कि अचानक से उन्होंने जा करके सुशांत सिंह राजपूत के बहन के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी थी। तो अब इस बार क्या ही करेंगी रिया चक्रवर्ती, क्या वो हर एक इंसान के खिलाफ जिन्होंने उनके खिलाफ जो कुछ भी कहा था उन सब के खिलाफ करेंगी केस? तो क्या लगता है आपको इस पर, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। अक्षय कुमार ने कहा थ्री इज नॉट अ क्राउड। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो अक्षय कुमार है उनकी जो अभी हाल फिलहाल में आने वाली फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब, उसको लेकर वो चर्चा में है। पर उसी के साथ चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो फिल्म है उसके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही है। अब हाल फिलहाल में अक्षय कुमार कियारा आडवाणी आए थे एक स्पेशल गेस्ट के साथ कपिल शर्मा शो में। जी दोस्तों कपिल शर्मा शो में दिखेंगी हमें लक्ष्मी नारायण जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए जानी जाती है। उन्होंने वो सबसे फर्स्ट महिला थी हमारे इंडिया की जिन्होंने ये राइट्स के लिए अपील किया था कोर्ट्स में। अब मैं जाकर के आपको ये भी बता दूं तो इस पर हमारे जो अक्षय कुमार है उन्होंने उनके साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर ये लिखा थ्री इज नॉट अ क्राउड मीट द रियल लक्ष्मी ऑफ लक्ष्मी बॉम्ब, और उन्होंने टैग किया है लक्ष्मी नारायण को। तो अब क्या ही होगा इस एपिसोड में, क्या लक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी नारायण है वो लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में बताएंगी लोगों को कि वो कितना ही सही है गलत है, क्या लगता है उनको, बिकॉज वो खुद एक ट्रांसजेंडर है और उनको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है? तो आप कितने उत्सुक हैं ये जानने के लिए, हमें ज़रूर बताइए। और आपकी क्या ही राय है लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में, ये हमें ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। शुल्का जवान साइनिंग।